नमस्कार, मैं हूं नीरजा आप्टे, पासवान अदब की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का ये विशेष जो भाग है वो है मेरा सफ़र, और इसके तहत हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं कविता की दुनिया के नायाब हस्ताक्षर, ज्येष्ठ कवि, हास्य और व्यंग जिनकी हर बात में नजर आता है, हालांकि चेहरे से दिखाई नहीं देता। वो गंभीर तरीके से हंसी वाली बात कहना कोई इनसे सीखे, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो मुझे ये बताएं कि क्या बचपन से ही आपकी तबीयत में हास्य व्यंग रहा है? नहीं, जब पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था। बचपन में कहां से आया? कहां से आया? कुछ बड़े होने के बाद पर हंसाया तब भी था परिवार वालों को। अच्छा। घर में लड़का पैदा हुआ है। वाह वाह वाह। तीन बाबाओं में पहला पोता मैं ही था। क्या बात है, वाह। हंसाने का काम उसी दिन शुरू किया। उसी दिन से हुआ। और बता दूं कि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, बाद में दिल्ली में पढ़ाई के लिए आ गए, और उसके बाद ये सिलसिला जो आपका पढ़ाई के साथ साथ कविताओं का चलता रहा, तो वो कब शुरू हुआ आपका? वो जब शुरू हुआ जब मैंने क्लास अटेंड करने की बजाय कॉलेज अटेंड करना शुरू किया और दोस्तों के साथ रहने लगा। अच्छा। क्लास अटेंड करता तो मैं सीए बन गया होता या कुछ और बन गया होता। जी। और चूंकि भारत के हर घर में, मतलब मुझे तो यही लगता है कि हम जब स्कूल या कॉलेज में थे तब से हमारे घरों में आपके बारे में जो बात कही जाती थी वो चार लाइना आपकी जो बड़ी प्रसिद्ध सी बात है उसे कहा जाता था, और न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी कई लोग आपके चार लाइना से बड़े प्रभावित हैं, जो ज़्यादातर पति पत्नी की नोकझोंक पर आपने कही हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये चार लाइना विवाह से पूर्व ही लिखी गई? पत्नी पर तो मैंने विवाह से पूर्व ही लिखना शुरू कर दिया। जी। तो कैसे वो विषय को आपने कैसे चुना? क्या मतलब आपने क्या सोचकर पत्नी ये विषय को लेकर? देखिए, आदमी को जो काबिल आदमी होता है वो कठिन विषय को लेकर ही आगे बढ़ता है, जो नाकाबिल होता है वो छोटी मोटी बातों पर राजनीति पर करेगा। अपन कठिन विषय को उठाया। अच्छा। जिस पर कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता उसको कहने की हिम्मत मैं कर। ये बात तो बिल्कुल है कि आमतौर पर लोग डरते हैं, और आपने बहुत ही खुले तरीके से इस बारे में कहा है और बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि कई पत्नियां भी बड़ी खुश हैं आप जिस तरह से उनके लिए कुछ बातें कहते हैं उस पर। क्योंकि मैं हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता। बिल्कुल। आज जो जितने भी लोग हैं जी, स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, लेकिन नंगेपन की कमाई मत करो। चैनल वाले जितने भी हैं, बाजार तो आना चाहिए क्योंकि उसके बगैर नहीं चल सकते, लेकिन बाजारूपन आ गए वो तकलीफ की बात। वो किसी भी क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे कोई भी हो। जी। और मुझे लगता है कि आपकी यही जो सोच है वो आपको एक स्तरीय कहने वाला इस कैटेगरी में या इस श्रेणी में रखती है, क्योंकि अगर आप ही किसी का सम्मान ना करें तो कैसे आपका सम्मान कोई करेगा? तो मुझे लगता है कि आप जो भी बात कहते हैं उसमें व्यंग जरूर होता है, लेकिन वो स्तरीय व्यंग होता है, ऐसा आपके बारे में हमेशा कहा जाता है। और ये जानना चाहती हूँ कि हास्य के अलावा, व्यंग के अलावा भी आपने कोई विधा या थोड़ा सा गंभीर कभी कुछ लिखना नहीं चाहा? मैंने आज आपने कार्यक्रम नहीं सुना तो मैंने गंभीर ही सुनाया था। जी। अगर आप सुनते तो पता लग जाता। जी। क्योंकि मेरा मानना है कि आदमी को पहले क्या था, सुख सार्वजनिक था, दुख व्यक्तिगत था। आज हम लोगों ने दुख को सार्वजनिक कर दिया, सुख को व्यक्तिगत कर दिया। इस तकलीफ इस बात की है जी। मेरा सुख क्या है ये मैं नहीं जानता, मेरा दुख क्या है जी। सुख को लोग वो व्याख्या करते हैं जो मेरे पास नहीं है। मैं सुख की वो व्याख्या करता हूँ जो मेरे पास है, वो सुख है जी। मैं मुझे अपनी दो गाड़ियाँ सुख नहीं देती,
मेरे सगे भाई की 3 गाड़ियां मुझे तकलीफ देती है, पड़ोसी छोड़ दिए, सगे भाई के पास भी आपसे ज्यादा है तो आपकी तकलीफ का कारण होगा। पहले हम इसलिए सुखी थे कि हम नीचे देखकर चलते थे, अब हम इसलिए दुखी हैं कि ऊपर देखकर चलते हैं। नीचे देखकर चलोगे तो आपको लगेगा कि आपके ऊपर इस मुल्क में 20 करोड़ लोग हैं, वो 20 करोड़ लोग जो आपके वो दुख दे रहे हैं, आप 110 करोड़ के ऊपर है, वो आपको सुख क्यों नहीं दे रहा। आप अगर वहां सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएगी। बहुत सही है ये बात। कुछ 4 लाइना हम सुनना चाहेंगे। देखिए, 4 लाइन मैंने पत्नी पर ही लिखी मैक्सिमम, और जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें आपको इंटरेस्ट ले ली। दूसरे के घर में झांकना बंद कर देना चाहिए आपको। तुलसीदास जी की एक चौपाई ने महिलाओं को बहुत दुख दिया जी। अब कोई भी पुरुष महिलाओं को चौपाई नहीं सुना सकता। तुलसीदास जी, हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है समझाए। पत्नी बोली, इसके अर्थ बिल्कुल ही साफ है, इसमें एक जगह मैं हूं, 4 जगह आप है। क्या बात है। वाह, आप इतने अलग अलग कवि सम्मेलनों में जाते हैं, मुशायरों में जाते हैं, तो जब आप युवा पीढ़ी को सुनते हैं कभी, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? किस तरह से पढ़ा जाता है? क्या उनके पास आपके जितना अनुभव है और उस अनुभव को लेकर लिखते हैं, या जो मन में आता है बिना तैयारी के भी होता है? क्या आपका विचार है इस बारे में? मेरा मतलब ये की है जी, मैं अपनी काफी ठीक लिखता हूँ, दूसरे कौन क्या लिख रहा है दूसरों की कापियां नहीं जांचता जी, क्योंकि अभी मैं हास्य का एक स्टूडेंट वाइस चांसलर नहीं बना जो किसी की कापियां जांच सकूं। क्या बात है। और स्टूडेंट रहूंगा तब तक बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती रहेंगी। जिस दिन आप ये समझ लो आप वाइस चांसलर हो तो आगे बढ़ने की संभावना नहीं होगी, फिर आप नीचे गिरावट की तरफ जाते रहोगे। जी जी जी, कितनी पते की और गहरी बात है ये, कि हर कोई याद रखे इसे कि अगर आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहें तो आपको आगे बढ़ने के मौके कई हैं, वरना तो बात वहीं रुक जाएगी मेरे ख्याल से। आप पत्नी इस विषय पर तो कहते ही हैं, लेकिन कोई और भी ऐसा विषय है जो बहुत ज्वलंत विषय है, जिसको लेकर आपकी सोच आपको प्रेरित करती है कि इस पर लिखा जाना चाहिए, या दिन ब दिन जो अलग अलग सिचुएशंस या परिस्थितियां आती हैं, क्या उन पर भी आप लिखते हैं? उन पर ही लिखता हूँ जी। आज मैंने नीचे पत्नी के ऊपर कुछ भी नहीं सुनाया। हाँ, आज नहीं सुनाया आपने। सारा दूसरे जो भी विषय थे उनके ऊपर बात करता हूँ। जी जी, मैं बात इस बात की करता हूँ, सब जो लोग ऊंच नीच की बात करते हैं उसे कहता हूँ कि राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। वाह, काश कि हमने सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो इस जातीयता के झगड़े नहीं होते। मैं सब लोगों से एक बात पूछता हूँ कि मैं आज तक समझ नहीं पाया जो मेरी गंदगी खाता वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। क्या बात, हमें उसे अपने से ऊपर मानना चाहिए। तो मैं औरों से अलग हट करके सोचता हूँ। सब कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं नहीं कहता, मैं नहीं करता ईश्वर पर भरोसा, इसीलिए नहीं करता कि इस लायक बनो कि ईश्वर तुम पर भरोसा रखे। प्रोजेक्ट बड़ा लेकर के चलो, छोटे प्रोजेक्ट से बहुत खूब। ये बात वाकई की क्या कह दिया आपने, बहुत खूब बहुत खूब। मुझे किसी ने कहा एक कि तराजू के एक पर्रे में राम हो, दूसरे पर्रे में तुम हो, तो कौन सा पर्दा भारी होगा? हाँ। मैंने कहा मेरे वाला भारी होगा। हाँ।
क्योंकि राम के पर्दे में राम होगा जी, मेरे पर्दे में मैं हूंगा, मेरे भीतर बैठा राम भी होगा। राम भी होगा, वाह वाह जी। तो धार्मिकता जो है जी, शरीर के अंदर की प्रक्रिया है, बाहर जो कुछ करते हैं हम सब ढोंग करते हैं। मैं तो कहता हूँ करोड़पतियों को, करोड़ों रुपया मंदिर में चढ़ाते हो, उसकी जगह कारखाना खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे दो, समझना 100 मंदिरों का निर्माण किया है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई मूर्तियों की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई मूर्तियों की सेवा करते हैं। इसीलिए ये इतने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इतने सालों का अनुभव, इतने अलग अलग लोगों से मिलना और इतनी पुख्ता विचारधारा का बनना बहुत बहुत विचारधारा गलत है जी। मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, तू शूद्र है, वो क्षत्रिय है जी। ये विचारधारा हो सकती है। विचार है कि मैं भारतीय हूँ, वाह वाह, भारतीय होना भी विचारधारा हो सकती है। कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये विचारधारा है। विचार ये है कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य। तो विचार से जुड़ना चाहिए, विचारधारा से। विचारधारा से जुड़ोगे तो आप कहीं ना कहीं अपना आकाश छोटा कर दोगे। बहुत इतनी इतनी सुंदर बातें आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस आप ही बोलते रहें और हम सुनते रहें। तो आपका ये जो सफ़र है बचपन से लेकर अब तक का, मुझे लगता है कि हर सुनने वाले को, जो भी आपको पढ़ता है सुनता है, उन सभी के लिए प्रेरणा है। और जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं बहुत सहजता के साथ, इतने सालों का अनुभव तो खैर है ही, आपकी जो क्या कहूँ मैं, प्रतिभा, और आपने अपने परिश्रम से जिसे परिष्कृत किया है वो सोच भी इन सब के पीछे है। तो उसी वजह से आप आज इतना इतनी अच्छी चीज़ें हम सब तक पहुंचा रहे हैं कि जिससे शायद हम सभी को बहुत फ़ायदा होगा। आपका पासवान अदब की तरफ से बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बातचीत के लिए। और आपका ये सफ़र, चूँकि आपने कहा कि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी रहना पसंद करेंगे, तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप विद्यार्थी बने रहें ताकि आप काफ़ी सालों तक नई नई चीज़ें हम तक पहुंचाते रहें। तो पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी का हम पासवान अदब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बातचीत की और हम तक कई अनमोल बातें पहुँचाई। धन्यवाद।